नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो है वो इतना इंटरेस्टिंग कि आप उसको तो मज़े लेंगे ही, प्लस वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। दोस्तों ये टॉपिक मैंने क्लास 8th का उठाया हुआ है, लेकिन क्लास 8th से लेकर 9th 10th 11th 12th और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं उन सारे एग्जाम में ये हेल्प करेगा आपकी। क्योंकि आज का टॉपिक का नाम क्या है वो आप सुनिए तो आपको मजा आएगा। दोस्तों आज का टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट, दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये सारे चीजों को कवर करेगा। जैसे कि हम अगर मेंसुरेशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या हम जो स्फेयर हैं वॉल्यूम है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इस टॉपिक की मीनिंग बता देना चाहता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए पावर का मतलब क्या होता है और एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया तो हम इस टॉपिक की गहराइयों को और इसके टॉपिक के जितने भी आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पावर का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि इससे फॉर एग्जांपल आप ये नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके लिए बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स हो गई, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स हो गई। तो जो हमारे मैथमेटिशियन हैं उन्होंने क्या किया कि इसको शॉर्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ठीक है। पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों पैरेलल चलते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास दो टर्म होती हैं, बेसिकली दो टर्म होती है, क्या एक होती है बेस वैल्यू और एक होती है एक्सपोनेंट, ठीक है। दोस्तों देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए मैंने किया क्या है कि जितनी जीरो है उसको काउंट करके मैंने यहां से इसको पावर ले लिया है, ठीक है, और यहां पे भी वो काउंट करके यहां पे पावर ले लिया है, ठीक है। तो यहां पे बेस वैल्यू मैंने जिक्र किया है और एक एक्सपोनेंट जिक्र किया है, ठीक है। तो बेस वैल्यू क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए ये होती है बेस वैल्यू, हियर 10 इट्स कॉल्ड अ बेस वैल्यू, है। और जो अपराइट में कॉर्नर पे अपराइट में जो लिखा हुआ है ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं, हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसका एक्सप्रेशन होता है और ये इसका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पावर एंड एक्सपोनेंट है इसका नॉर्मल जो जनरली टर्म होता है वो ये होता है कि x की पावर a, ठीक है, वेयर x इज कॉल्ड बेस वैल्यू, ठीक है, और a इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पावर इन द एक्सपोनेंट, ठीक है। दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए इसमें कुछ इसके रूल्स हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए हम उसको अभी जिक्र करते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पावर एंड एक्सपोनेंट वाला जो टॉपिक है ये क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को और शॉर्ट करता है। क्यों, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 3 × 3 × 3 मतलब एक ही नंबर को बहुत बार लिखा हुआ है, × 3 × 3 बहुत बार लिखा हुआ है, तो इस कैलकुलेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पावर और एक्सपोनेंट का हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 3 और कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स है तो 4 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने वर्कलोड को अपने काम को हम शॉर्ट में लिखने के लिए हम इस टर्म को यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही चीजों के लिए मतलब ऐसी चीजों के मल्टीप्लीकेशन डिवाइड या एडिशन जो भी है उसके लिए क्या बना है, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बना है, ठीक है, कि हम कैसे कैसे उस चीजों को हम यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं वन बाय वन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा है वो ये है कि a की पावर m और
ए की पावर एन। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि आप ध्यान से देख रहे हो कि ये जो बेस है हमारा, ये ए और ए है, मीन्स दैट कि ये बेस हमारा सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो इसकी पावर में लगा हुआ है, वो एम, यहाँ एन है, वो डिफरेंस है। और ये दोनों चीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम है तो क्या, अगर हम जब मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, उसका आंसर ये आएगा कि बेस सेम है और जो पावर में है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकेंड वाला क्या है कि ये तो मल्टीप्लाई में था, लेकिन अगर बेस सेम है और हमारा जो कि पावर में है वो, मतलब बेस सेम और ये डिवाइड में है और ये भी डिफरेंस है, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा दोस्तों, ये डिवाइड में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई है तो एडिशन, डिविजन में है तो सब्ट्रैक्शन, ये दोस्तों ये हो जाता है। ये तो बात कब आई, जब हमारे बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब बात हम करेंगे कि बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट भी सेम हो। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने डिस्कस किया था कि व्हेन द बेस वैल्यू इज द सेम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और ए सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो क्या हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए बेस वैल्यू सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, और ये डिविजन में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों बेस वैल्यू अलग अलग है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जी चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे एम ऊपर है और एन नीचे है, तो हमने क्या किया, एम में से एन को माइनस किया। मीन्स दैट मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर जो होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। जब ये पावर नेगेटिव में जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन मल्टीप्लाई करेंगे और ए की पावर माइनस एन, तो ये यही वाला बन गया, ठीक है, आप गौर कर पा रहे हैं। जब ये अलग बन गया और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन प्लस में है और एन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स दैट इसका डेरिवेशन आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए कि अगर मेरे को ये एम वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म है, हमको नीचे चाहिए, तो हम ए की पावर एन वाले को नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये एडिशन में आएगा, ये प्लस में, ये आके यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। जब माइनस में होगा तो ये ए की पावर माइनस, मतलब ये ए की पावर एन होगा, ठीक है, और ए की पावर माइनस एम हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो एन पॉजिटिव, एम क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। ये कब होगा, जब बेस वैल्यू ए सब सेम है, मतलब बेस वैल्यू आर द सेम, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये ठीक है। अब बात करते हैं जब बेस वैल्यू सेम नहीं ना हो के जब एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम हो, व्हेन द एक्सपोनेंट वैल्यू इज द सेम, ठीक है, जो पावर में हमारे ऊपर जो वैल्यू देखिए एक्सपोनेंट वैल्यू जब वो सेम होगा तो उसमें क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए और बी दोनों बेस वैल्यू अलग है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट अलग अलग है, यहाँ पे उल्टा था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों ए और बी को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में, और उसकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है ये क्या कर देंगे, हम लोग उसको बाहर लेके ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मेथड ये होता है, ठीक है। अगर ये तो डिविजन में था, अब ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में, ये अलग है लेकिन एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, ए और बी को एक साथ किया और एन को बाहर किया। कहने का मतलब ये है कि जब एक्सपोनेंट की सेम रहे और बेस वैल्यू डिफरेंट है तो क्या करेंगे, बेस वैल्यू को एक साथ ले लेंगे और एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, बेस वैल्यू को एक वहां लेंगे एक साथ और एक्सपोनेंट को ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात बारी आती है ये वाला सिक्स्थ वाला, इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, क्या कि अगर किसी नंबर बेस वैल्यू का कोई पावर दे रखी है और बाहर ब्रैकेट में एक और पावर है, तो बच्चे कंफ्यूज क्या जाते हैं, वो दो स्टेप करते हैं, क्या पहले इसको सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2 की पावर 2 लेके और 2 की पावर 3 ले लिया, तो बच्चे क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 करेंगे दो बार, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4, और यहाँ 3 लिख देंगे, फिर 4 इंटू 4 करेंगे। इसको ऐसा ना करके आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 की पावर 2 और 3 है ना, तो 2 की पावर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके 6 कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो ये इसका थोड़ा इजी वे है, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, और ईजी बहुत सिंपल वे मैंने आपको बताया है, और इसका जो यूज़ है, इसका जो एप्लीकेशन है,
अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो उसकी जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है, वो हर चैप्टर में आता है। अभी आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में होंगे, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड पर पहुंचेंगे या 12th पर पहुंचेंगे, तो उसमें आपको जो भी मेंसुरेशन चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हम एरिया कैलकुलेट करना सीखते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखते हैं, क्यूब्स, स्क्वायर्स, जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, सब में ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो हेल्प करता है, ठीक है। और जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है उसमें भी ऐसे ही मेथड्स काम आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो चैप्टर है, जो मेरा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।